आपको मोदक बनाने का तरीका बता दी हूँ। मोदक के अंदर में जो सारद रहते हैं ना, वो बनाने का मैं तरीका बता आपको बता रही हूँ। पहले 2 चम्मच तूप लेने का, आगे उसमें नारियल का जो पीस है ना, हमने निकाला है ना, वो डालने का उसमें। वो चार वाटी रहेगा, वो चार वाटी रहता है। हमने 4 वाटी लिया है ना, वैसा वो उसमें डालने का। अभी इसके बाद थोड़ा जो हमने गुड़ लिया है ना, वो डालने का, जागरी वो गुड़ उसमें डालने का। हाँ, जितना हमने लिया है ना, वो तो सब डालने का। और उसको धीरे आंच पर घुमाते रहने का, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहने का, ऐसा घुमाते रहने का थोड़ा। जब तक गुड़ उसमें मिक्स नहीं होता है ना, तब तक घुमाने का उसको, ऐसे मिक्स करने का उसको, और आंच धीमी रखने का। छप्पर में डाल के मिक्सर से निकालिए इलायची पाउडर, तो वो डालने का, सब डालने का, उसका अच्छा वास आएगा उसमें डालेंगे तो। शक्कर की जरूरत नहीं, खाली इलायची पाउडर डालोगे तो इलायची पाउडर ठीक है, गुड़ है उसमें ना। हाँ, ऑलरेडी है उसमें, ज्यादा मीठा हो जाएगा। अभी उसमें ये मनुका, उसको बेदाना मिलती है ना, वो डालने का उसमें। और वो ऐसे ये मिक्स करने का उसको एक दूसरे में, जब तक ये गुड़ ये नहीं होते, पिघलता नहीं है ना, तब तक उसको ऐसे घुमाते रहने का। कोई कोई इसमें हल्दी भी डालती है, थोड़ा सा हल्दी डालती है 1 चम्मच, तो क्या होता है उसको पीला कलर रहता है इसमें, तो अच्छा लगता है। अभी मैं आपको मोदक के लिए चावल का आटा कैसा बनाने का वो बताती हूँ। तो 4 वाटी पानी लेगा, ये वाटी का मैंने माप लिया है, तो ये 4 वाटी पानी उसमें डालने का, बर्तन में डालने का। 1, 2, 3 और 4 उसको अभी इसमें थोड़ा 1 चम्मच घी लेने का, 1 चम्मच घी डालने का इसमें, और थोड़ा सा नमक डालने का, थोड़ा सा नमक डालने का उसमें। और उसको उबालने का, जब तक उबाल नहीं आता है तब तक उसको ऐसा घुमाते रहने का, अच्छी तरह से उबल आना चाहिए उसको पानी को। गैस बड़ा करेंगे क्या? थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, अच्छा। जल्दी होने के लिए, नहीं तो बहुत दिन देर हो जाएगी ना इसलिए। पानी के लिए चलता है, बड़ा करेंगे तो गैस, लेकिन बाद में कम करने का। अभी उबल आने का थोड़ा, और उसमें डालने का, ये मैंने लिया है ऑलरेडी, तो उसमें मैं डाल रही हूँ। अभी उबाल आ गया, अभी अच्छी तरह से उबाल आए, देखिए ये देखिए, उसको ऐसे मिक्स करने का। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अभी उसको 10-15 मिनट ढक्कन ऊपर रख के उसको थोड़ा ठंडा होने को रखने का है, 10-15 मिनट। बड़ा कम से भी ये डिश लेने का, बड़ा डिश लेने का, उसमें डालने का, उसके बाद जब तक ठंडा नहीं होता ना, ठंडा होने के बाद ही उसको फिर भूनने का है, तब तक उसको हाथ मत लगाइए, 10-15 मिनट ऐसे रख दीजिए उसको।
काट लो। इधर से ऐसा ही करने का, प्रेस करने का, इसको इस साइड से प्रेस करने, पीछे पीछे जो ये आती है ना उसको प्रेस करने का थोड़ा अच्छी तरह से प्रेस करने का उसको। थोड़ा ज़्यादा पेट लेने का तो इससे अच्छा होता है।
Hát akkor